अनादि तवानि गुण तवाता परमात्मा यम शरीरस्थो आपि कौन्तेय करोति न लिप्यते। हे कुंती नंदन, हे जीव, या पुरुष स्वयं अनादि होने से और गुणों से रहित होने से अविनाशी परमात्मा स्वरूप ही है। यह शरीर में रहता हुआ भी ना करता है और ना लिप्त होता है। पहले मिट्टी और बीज को तोल ले और एक पात्र में वह तुली हुई मिट्टी बिछाकर बीज बो दे और पानी सींच दे। फसल होने पर उसको काट कर अनाज तैयार कर ले और मिट्टी को सूखने दे। सूखने के बाद मिट्टी और अनाज को तोल कर देखे तो मिट्टी का वजन कम तथा अनाज का वजन ज्यादा होगा। यह मिट्टी पृथ्वी का अनाज में रूपांतरण होना है। क्रियाएं दो तरह की होती है, होना और करना। बालक का जवान और बूढ़ा होना आदि क्रियाएं होती है और खाना पीना आदि क्रियाएं करते हैं। ये सब क्रियाएं शरीर में ही होती है। इसी अध्याय के 19वें श्लोक में जिसको अनादि कहा है उसी को यहां भी अनादि तवात पद से अनादि कहा है, अर्थात यह पुरुष आदि आरंभ से रहित है। अब प्रश्न होता है कि वहां तो प्रकृति को भी अनादि कहा है, इसलिए प्रकृति और पुरुष दोनों में क्या फर्क रहा? इसके उत्तर में भगवान कहते हैं निर्गुणत्वात् अर्थात यह पुरुष गुणों से रहित है, प्रकृति अनादि तो है पर वह गुणों से रहित नहीं है। प्रकृत गुणों और विकार वाली है, उससे सात्विक राजस और तामस ये तीनों गुण तथा विकार पैदा होते हैं, परंतु पुरुष इन तीनों गुणों और विकारों से सर्वथा रहित है, निर्गुण और निर्विकार है। ऐसा यह पुरुष साक्षात अविनाशी परमात्मा स्वरूप ही है, अर्थात यह पुरुष विनाश रहित परम शुद्ध आत्मा है। यह पुरुष शरीर में रहता हुआ भी ना कुछ करता है और ना किसी कर्म से लिप्त ही होता है। तात्पर्य है कि इस पुरुष स्वयं ने ना तो पहले किसी भी अवस्था में कुछ किया है, ना वर्तमान में कुछ करता है और ना आगे ही कुछ कर सकता है। अर्थात यह पुरुष सदा से ही प्रकृति से निर्लिप्त असंग है तथा गुणों से रहित और अविनाशी है। इसमें कृतत्व और भोक्तत्व है ही नहीं। यहां शरीरस्थोपि कहने का तात्पर्य है कि यह पुरुष जिस समय अपने को शरीर में स्थित मानकर अपने को कार्य का कर्ता और सुख का भोक्ता मानता है, उस समय भी वास्तव में यह तटस्थ प्रकाश मात्र ही रहता है। सुख दुख का भान इसी से होता है, अतः इसको प्रकाशक कह सकते हैं, पर इसमें प्रकाशक धर्म नहीं है। यहां अपि पद से ऐसा मालूम होता है कि अनादि काल से अपने को शरीर में स्थित मानने वाला हरेक चीटी से ब्रह्मा पर्यंत प्राणी स्वरूप से सदा ही निर्लिप्त असंग है। उसकी शरीर के साथ एकता कभी हुई ही नहीं, क्योंकि शरीर तो प्रकृति का कार्य होने से सदा प्रकृति में ही स्थित रहता है और स्वयं परमात्मा का अंश होने से सदा परमात्मा में ही स्थित रहता है। स्वयं परमात्मा में कभी अलग हो सकता ही नहीं। शरीर के साथ एकता का मानने पर भी, शरीर के साथ कितना ही घुल मिल जाने पर भी,
शरीर को ही अपना स्वरूप मानने पर भी उसकी निर्लिप्तता कभी नष्ट नहीं होती। वह स्वरूप शेषता ही निर्लिप्त रहता है, अपनी निर्लिप्तता का अनुभव न होने पर भी उसके स्वरूप में कुछ भी विकृति नहीं होती। अतः उसने अपने स्वरूप से ना कभी कुछ किया है और ना करता ही है, तथा स्वयं ना कभी लिप्त हुआ है और ना लिप्त होता ही है। यद्यपि पुरुष अपने को शरीर में स्थित मानने से ही कर्ता और भोक्ता बनता है, तथापि इसवें श्लोक में भगवान ने कहा है कि प्रकृति में स्थित पुरुष ही भोक्ता बनता है, और यहां कहते हैं कि शरीर में स्थित होने पर भी पुरुष कर्ता भोक्ता नहीं है। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति और उसका कार्य शरीर दोनों एक ही है। अतः पुरुष को चाहे प्रकृति में स्थित कहो चाहे शरीर में स्थित कहो, एक ही बात है। चाहे प्रकृति में स्थित कहो चाहे शरीर में स्थित कहो, एक ही बात है। एक शरीर के साथ संबंध होने से मात्र प्रकृति के साथ, मात्र शरीर के साथ संबंध हो जाता है। वास्तव में पुरुष का संबंध ना तो विशिष्ट शरीर के साथ है और ना समिष्ट प्रकृति के साथ ही है। अपना संबंध शरीर के साथ मानने से ही वह अपने को कर्ता भोक्ता मान लेता है, वास्तव में वह ना कर्ता है और ना भोक्ता है। पुरुष अनादि है पर शरीर आदि वाला है, पुरुष निर्गुण है पर शरीर गुणमय है, पुरुष परमात्मा है पर शरीर अनात्मा है, पुरुष अव्यक्त है पर शरीर नाशवान है। इसलिए अज्ञानी मनुष्य के द्वारा पुरुष आत्मा को शरीर में स्थित मानने पर भी वास्तव में वह शरीर में स्थित नहीं है, अर्थात शरीर से सर्वथा असंबंध है। ना करोति ना लिप्यते, कारण कि शरीर का संबंध तो संसार के साथ है पर पुरुष का संबंध परमात्मा के साथ है। अतः वास्तव में पुरुष कभी शरीरस्थ हो सकता ही नहीं, परंतु इस वास्तविकता तरफ ध्यान न देने के कारण मनुष्य उसके शरीरस्थ मान लेता है। निर्गुण तत्वता, निर्गुण तत्वात पुरुष स्वयं निर्गुण होते हुए भी गुणों का संग करके बंध जाता है। गीता इसी अध्याय का 20वां श्लोक दिखता तो ऐसा ही बंधन स्वतः स्वाभाविक है पर मुक्ति कृति साध्य है, पर वास्तव में मुक्ति स्वतः स्वाभाविक है और बंधन कति साध्य है। गुणों का संबंध पुरुष के साथ नहीं है प्रत्युत प्रकृति के साथ है। गीता इसलिए अनादि निर्गुण परमात्मा और ना क्रोतु ना लिप्यते, ये स्वतः स्वाभाविक है। साधक को इस स्वाभाविकता के अनुभव करना है। जैसे मकान में रहते हुए भी हम मकान से अलग हैं, ऐसे है शरीर में रहते हुए, जैसे मकान से रहते हुए भी हम मकान से अलग हैं, ऐसे ही हम शरीर में रहते हुए मानने पर भी हम शरीर से अलग हैं। ना क्रोति ना लिप्यते, ना करोति ना लिप्यते, ना करोति ना लिप्यते, या साधन जन्य नहीं है प्रत्युत स्वतः स्वाभाविक है। तात्पर्य है कि स्वरूप में लेश मात्र भी कर्तव्य भोक्तत्व नहीं है, यह स्वतः सिद्ध बात है। इसमें कोई पुसात नहीं है अर्थात इसके लिए कुछ करना नहीं है। तात्पर्य है कि कर्तव्य भोक्तत्व मिटना नहीं है, प्रत्युत इनको अपने में स्वीकार नहीं करना है, इनको अभाव अनुभव करना है, क्योंकि वास्तव में ये अपने में है ही नहीं। इसलिए साधक को अपने में निरंतर अकर्तत्व और अभोक्तत्व का अनुभव करना चाहिए। अपने में निरंतर अकर्तत्व और अभोक्तत्व निष्कामता निर्ममता का अनुभव होना ही जीवन मुक्ति है, जीवन मुक्ति है, जीवन मुक्ति है। इसी को गीता में स्मृति प्राप्त होना कहा है। नष्टो मोहो स्मृते लभः लब्धः, अगर स्वरूप करता है और भोक्ता नहीं है तो फिर करता और भोक्ता कौन है, यह विचार किया जाता है।
पहले यह विचार करें कि कर्ता कौन है, शरीर कर्ता नहीं है। पहले यह विचार के कर्ता कौन है, शरीर कर्ता नहीं है, क्योंकि यह प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है। मन बुद्धि चित्त तथा अहंकार, ये चार कारण है जिनको अंतकरण कहते हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चार कारण है जिनको अंतकरण कहते हैं। यह अंतकरण भी कर्ता नहीं है, क्योंकि कारण कर्ता के अधीन होता है, परंतु कर्ता स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र कर्ता कारण तो क्रिया की सिद्धि में अत्यंत सहायक होता है, साधकतम कारणम। इसलिए कारण के बिना किसी क्रिया की सिद्धि होती ही नहीं। जैसे कलम स्वतंत्रता से नहीं लिखती, प्रतिद्वाह तो लिखने का एक साधन कारण है जो लेखक कर्ता के अधीन होता है, अतः कारण कर्ता नहीं होता और कर्ता कारण नहीं होता। दूसरी बात यदि कारण में कर्तापन है तो फिर सुखी दुखी स्वयं क्यों होता है? यदि कारण सुखी दुखी होता है तो हमें क्या नुकसान है? सत स्वरूप भी कर्ता नहीं है, क्योंकि मैंपन तो प्रकृति का कार्य है, यह प्रकृति से अतीत में कैसे संभव है? यदि स्वरूप में कर्तापन होता तो वह भी कभी मिटता नहीं, क्योंकि स्वरूप अविनाशी है। इसलिए भगवान ने यहां स्वरूप में कर्तापन का निषेध किया है, ना करोति। आगे 18वें अध्याय में भी भगवान ने कहा है कि आत्मा को कर्ता मानता है वह दुर्मति ठीक नहीं समझता, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। गीता 18वें अध्याय के 16वां श्लोक, वास्तव में जो भोक्ता सुखी दुखी होता है वही करता है। अब यह विचार करें कि भोक्ता कौन है? भोक्ता ना सत है ना असत है। सत भोक्ता नहीं हो सकता, क्योंकि सत में कभी अभाव नहीं होता, ना भावो विद्यतस्तः। जबकि भोक्तापन अभाव होता है, ना लिप्ते असत, विभोक्ता नहीं हो सकता, क्योंकि असत की सत्ता ही नहीं है। रस्तो वित्ते भवा, असत में चेतनता भी नहीं, असत में चिंता भी नहीं है, अतः उसमें भोक्तापन की कल्पना ही नहीं हो सकती। तात्पर्य यह हुआ कि कर्तापन और भोक्तापन ना तो सत में है और ना असत में है। सत असत के संयोग से भी कर्तापन और भोक्तापन नहीं है, क्योंकि जैसे दिन और रात का संयोग असंभव है, ऐसे ही सत और असत का संयोग भी असंभव है। अतः कर्तापन भोक्तापन केवल माने हुए हैं। कर्ता है में से मने चाहे जब साधक विवेक पूर्व शरीर से सर्वथा संबंध विच्छेद कर लेता है, अर्थात में मेरा पद को मिटा देता है, जो कि वास्तव में है नहीं, तब ना कर्ता रहता है ना भोक्ता रहता, परंतु एक चिन्मय सत्ता रहती है। इस प्रकार अपने में कर्तापन और भोक्तापन के अभाव का अनुभव होने पर साधक मुक्त हो जाता है, अर्थात कर्ता भोक्ता नहीं रहता, प्रत्युत शुद्ध स्वरूप चिन्मय सत्ता रह जाता है। ना करो तू ना लिप्यते है, पदों का विवेचन भगवान ने आगे 20वें श्लोक में किया है। कहा गया है कि वह पुरुष ना करता है ना लिप्त होता है, और अब प्रश्न होता है कि वह कैसे लिप्त नहीं होता, कैसे नहीं करता? इसका उत्तर आगे के समागम में, आगे के सत्संग में बताएंगे। यथा सर्वगत सूक्ष्म नेपलते है, सर्वत्र अवशिष्ट देहे तथा नेपलते है। जैसे शब्द का व्याप्त आकाश अत्यंत सूक्ष्म होने से कहीं भी लिप्त नहीं होता, ऐसे ही शब्द का परिपूर्ण आत्मा किसी भी देह में लिप्त नहीं होता। उस श्लोक में भगवान ने ना क्रोति पदों से पहले कर्तव्य का और ना लिप्तते पद से भोक्ता का भाव बताया है, परंतु उन दोनों का विवेचन करते हुए इस श्लोक में पहले भोक्तत्व के अभाव की बात बताई है और आगे श्लोक में कर्तव्य के अभाव की बात बताएंगे। अतः यहां ऐसा व्यतिक्रम रखने से भगवान का क्या भाव है? इसका उत्तर यह है कि
यद्यपि कर्तव्य के बाद ही भोक्तत्व होता है, अतः कर्म करने के बाद ही उस कर्म के फल का भोग होता है, तथापि मनुष्य जो कुछ भी करता है पहले किसी फल सिद्धि का उद्देश्य मन में रखकर ही करता है। अतः मन के पहले भोक्तत्व आता है, फिर उसके अनुसार काम करता है, अर्थात फिर कर्तत्व आता है। इस दृष्टि से भगवान यहाँ सबसे पहले भोक्तत्व का निषेध करते हैं। भोक्तत्व का लिप्तता का त्याग होने पर कर्तव्य का स्वतः त्याग हो जाता है, अर्थात फलेच्छा का त्याग होने पर क्रिया करने पर भी कर्तव्य का नहीं होता। यथा सर्वत्र सूक्ष्म आकाश कार्य वायु तेज जल और पृथ्वी, अतः आकाश अपने कार्य वायु आदि चारों भूतों में व्याप्त है, पर ये चारों आकाश में व्याप्त नहीं है, अर्थात व्याप्त है। ये चारों आकाश के अंतर्गत है, पर आकाश इन चारों के अंतर्गत नहीं है। इसका कारण यह है कि आकाश की अपेक्षा ये चारों स्थूल है और आकाश इनकी अपेक्षा सूक्ष्म है। ये चारों सीमित है, शांत है और आकाश असीम है, अनंत है। इन चारों भूतों में विकार होते हैं, पर आकाश में विकार नहीं होता। सर्वत्र वैशिष्ट्य देह तथा तम निप्लुत है, जैसे आकाश वायु आदि चारों भूतों में रहता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता, ऐसे ही सब जगह सब शरीर में रहने वाला आत्मा किसी भी शरीर में लिप्त नहीं होता। आत्मा सब में परिपूर्ण रहता हुआ भी किसी में घुलता मिलता नहीं है, वह सदा सर्वदा सर्वथा निर्लिप्त रहता है, क्योंकि आत्मा स्वयं नित्य सर्वगत स्थाणु अचल सनातन अव्यक्त अचिंत और अविकारी है। गीता के दूसरे अध्याय का 24-25 श्लोक, इस अविनाशी आत्मा से यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। गीता के दूसरे अध्याय का 17 श्लोक, चिन्मय सत्ता एक ही है, पर अहंता के कारण वह अलग अलग दिखती है। आपरा प्रकृति के अंश अहम को पकड़ने के कारण ही यह जीव अंश कहलाता है। ममे वंशो जीवलोको जीवभूत सनातन, अगर यह अहम को ना पकड़े तो एक सत्ता ही सत्ता है, होने पर होने के सिवाय सब कल्पना है। वह चिन्मय सत्ता सब कल्पनाओं का आधार है, वह चिन्मय सत्ता सब कल्पनाओं का आधार है, अधिष्ठान प्रकाशक और आश्रय है। उस सत्ता में एक देशीय अपना नहीं है, वह चिन्मय सत्ता सर्व व्यापक है। संपूर्ण सृष्टि क्रिया और पदार्थ उस सत्ता के अंतर्गत है। सृष्टि तो उत्पन्न और नष्ट होती रहती है, पर सत्ता ज्यों की त्यों रहती है। तात्पर्य है कि चिन्मय सत्ता ना शरीरस्थ है और ना प्रतिष्ठ है, प्रतिष्ठ आकाश की तरह सर्वत्र स्थित है। अर्थात वह संपूर्ण शरीर के सृष्टि मात्र के बाहर भीतर सर्वत्र परिपूर्ण है। वह सर्वव्यापी सत्ता ही हमारा स्वरूप है और वही परमात्मा तत्व है। तात्पर्य है कि सर्वदेशीय सत्ता एक ही है, वही योगियों का योग है, वही योगियों का योग है, वही योगियों का योग है, वही ज्ञानियों का ज्ञान है और वही भक्तों का भगवान है। साधक का लक्ष्य निरंतर उस सत्ता की तरफ ही रहना चाहिए, साधक का लक्ष्य निरंतर उस सत्ता की तरफ ही रहना चाहिए। सत्ता में एक देशता अहम के कारण दिखती है, वह अहम सुख लोलुपता पर टिका हुआ है। साधन करते हुए भी साधक जहां है वही सुख भोगने लग जाता है, सुख संगेन व्यधित है, यह सुख लोलुपता गुणातीत तो होने तक रहती है। अतः इसमें साधक को बहुत विशेष सावधान रहना चाहिए, सावधानी पूर्वक सुख लोलुपता से बचना चाहिए। और उस श्लोक में भगवान ने आत्मा में भोक्तृत्व का अभाव बताया है, आगे के श्लोक में आत्मा अकर्तृत्व अभाव बताते हैं। जुड़े और जुड़े
सनातन धर्म ज्ञान प्रचार प्रसार से जुड़े और जोड़े, संपर्क करें। संपर्क नंबर है 9811-7947, 9811-7947। व्हाट्सएप से जुड़े, कॉल करें। सनातन धर्म ज्ञान प्रचार प्रसार से जुड़े और जोड़े, ये सनातन का प्रचार और प्रसार का कार्य है। ये जीव को ब्रह्म ज्ञान देने का कार्य है, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन। गाय गंगा ज्ञात्री जल जंगल और जमीन इस धरा के मूल प्राण तत्व है। इनकी रक्षा सुरक्षा प्रत्येक मनुष्य का, प्रत्येक जीव का कर्तव्य ही नहीं, महान महान कर्तव्य है। प्रकृति जीव परमात्मा की सेवा, यही लक्ष्य होना चाहिए, यही लक्ष्य होना चाहिए प्रत्येक जीव का, प्रत्येक मनुष्य का। आइए परमात्मा का कार्य करें, परमात्मा का कार्य करें। पृथ्वी देव, पृथ्वी के देवता अग्नि देव को प्रणाम, अंतरिक्ष के देवता वायु देव को प्रणाम, धूलोक के देवता सूर्य देव को प्रणाम और वरुण देव को प्रणाम। जय सनातन धर्म। वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूर मर्दनम देव की परमानंदनम कृष्णम वंदे जगत गुरु जगत गुरु जगत गुरु। ओ